अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डोसी गाइस। तो यार दूसरी आज जो है वो सीरीज वेब ब्राउज़र की आपके लिए लेके आया हूँ। पहले आपको आर्मर एस और आर्मर मैक्स मैंने दिखाया था, वो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। पहले सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लें इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको। ये वन ऑफ द प्रीमियम मॉडल है, अभी तक लेटेस्ट प्रीमियम 2024 का मॉडल जो वेब ब्राउज़र की तरफ से निकला है वो आया है। जाके अनबॉक्सिंग देखें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको, उसके बाद इसका क्लाउड चेक करते हैं। ब्राउज़र जेन एस ई का जो है वो आपको डब्बा दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो जेन मैक्स है उसका डब्बा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कहा चले वो बाद में आपको दिखाता हूँ। डब्बा खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है इसके साथ अवेलेबल है। सबसे पहले ऊपर जो है हमारे पास एक कार्ड आ जाता है जिसमें यूज़र मैनुअल होता है। नॉर्मली आप इसको जो है वो यहाँ से भी खोल सकते हैं और आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो लिखी होती हैं जो कि नॉर्मली जो है वो नए पोर्ट में आती हैं, नए वेब में आती हैं, वो हमें पता नहीं होती हैं, तो वो आप इस पर देख के जो है वो उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक चार्जिंग केबल आ जाती है, अगेन टाइप सी चार्जिंग केबल जो नॉर्मली आती है पोर्ट के साथ भी, वही आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। उसके साथ आपको जो है एक कोयल मिल जाती है, एक्स्ट्रा कोयल है ये, और इस कोयल को अगर मैं देखूँ तो ये 0.4 मैश की कोयल है, और ये 0.4 मैश की कोयल वो वाली कोयल नहीं है जो पोर्ट्स में 0.4 मैश की आती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट कोयल होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखें तो 50-60 वोट जो है आप इसमें मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो आप कह सकते हैं कि कोयल होती है जो नॉर्मली वेव्स के लिए बनी होती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो है वो इसका ग्लास ट्यूब कह सकते हैं आप, इसकी ग्लास आ रहा है। अगर आपका ग्लास जो है वो टूट जाता है या आपसे गिर जाता है गलती से तो आप डेफिनेटली उसको बदल सकते हैं। उसके अंदर आपको रिंग्स भी दे दिए गए हैं, उसके अंदर आपको जो है वो रबर्स के कुछ रिंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो लीकेज नहीं होती है, वो भी आपको एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास जो है वो एक इनका मोड आ जाता है जो सिंपल मोड है, और उसके बाद अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो है वो इसका टैंक आ जाता है। टैंक को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, खास थोड़ा सा मेरे ख्याल से डब्बे में इशू है, क्या मसला है, टैंक थोड़ा सा जो है वो फंसता है इसमें से निकलता नहीं है। खैर ये आपके पास एक जो है वो टैंक आ जाता है इसका, और ये टैंक टी के नाम से जो है वो इनके पास आया है, जेन एस ई और जेन मैक्स, ये जो इनकी लेटेस्ट सीरीज आई है वेब की, सिर्फ इसी में ही जो है वो टैंक टी इन्होंने दिया है। यहाँ से आप इसको स्वाइप करेंगे, नॉर्मली जो है वो स्वाइप की ऑप्शन जो है इन्होंने काफ़ी देर पहले दी हुई है, इनके पहले भी जो वेब्स आ रहे थे उसमें भी स्वाइप की ऑप्शन दे दी गई है। तो एक कोयल जो है इसमें लगा हुआ है, अगर आपको मैं खोल के दिखाऊँ, यहाँ नीचे से आप खोल सकते हैं इसको, निकाल के आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोयल जो है इसके साथ लगा हुआ है। हमारे पास जो ये कोयल आता है 0.2 मैच का कोयल है, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट कोयल होता है अगर आप क्लाउड प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, अगर आप वेपर्स ज़्यादा जो है वो क्लाउड निकालना चाह रहे हैं तो 0.2 मैच का कोयल जो है वो रिकमेंडेड होता है। ये प्री इंस्टॉल्ड है, 75 वॉट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप इसको लेके जा सकते हैं, अंदर से भी आप इसकी जो है वो मैशेज देख सकते हैं कितना जो है वो, ये मैश ऑयल है बेसिकली, मैश ऑयल होता है, वो फ्लेवर आपको अच्छा देती है, और इसके अंदर जो मुझे पिंस नजर आ रही हैं वो मैश ऑयल की पिंस हैं। तो खैर ये आपको जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है आपके पोर्ट जो आपका जो टैंक है उसके अंदर, और आप टैंक को जो है वो बंद कर देते हैं। ये चीज़ें आपको मिलती हैं जी जेन एस ई में। तो ये गाइस आपके पास जेन मैक्स का जो है वो डब्बा आ जाता है, सेम डब्बा है, आई मीन जो आपको जेन एस ई का डब्बा मिलता है सेम उसी तरह का डब्बा है। एसेसरीज भी आपके पास जो है वो सेम आ जाएंगी जो आपको जेन एस ई में मिलती हैं, सिर्फ जो आपके पास डिफरेंस आता है वो टैंक में आ जाता है, और आपके पास जो मोड है नीचे वो मेन मोड में आपका डिफरेंस आ जाता है। अगेन आपको केबल मिलती है इसके साथ, एक आपको जो है वो टैंक मिल जाता है। अच्छा टैंक सेम है, ये छोटा टैंक है जो आपका जेन एस ई है उसमें छोटा टैंक लगा हुआ था, और बड़ा वाला टैंक जो है वो आपको साथ दिया हुआ था, इन्होंने जो है वो बड़ा वाला टैंक अपने टैंक के साथ लगाया हुआ, छोटा वाला आपको साथ दिया हुआ है। अगेन आपको जो है इसके साथ भी आपको एक कोयल मिल जाती है, कोयल को अगर हम चेक करें तो ये है जी हमारे पास बेस्ट 55 वोट है और 0.4 मैच की, अगेन आपको उसके साथ भी 0.5 वोट की मिलती है कोयल, इसके पास साथ भी 0.5 वोट की जो है कोयल एक्स्ट्रा मिल जाती है। एक आपके पास जो है इसका टैंक आ जाता है, अगेन पहले इसको निकाल लेते हैं, ये आपके पास जो है वो मोड आ गया है जेन मैक्स, बड़ा ही प्यारा मोड है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो है आपके पास एक इनका टैंक आ जाता है, तो ये इनका जो है वो बबली टैंक है, इसको बबल टैंक कहते हैं। अगेन ये आपके पास टैंक टी के नाम से जो है वो आ रहा है, इनका लेटेस्ट टैंक है जो टैंक टी के नाम से है। यहाँ से स्वाइप करके आप जो है वो इसको खोल सकते हैं, अपना फ्लेवर वगैरह ऐड करना तो वो भी आप इसको यहाँ से सिंपल स्वाइप करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, जो मोड का साइज़ है उसमें डिफरेंस है, बाकी इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से आप अपना एयर फ्लो सेट कर सकते हैं, इसको घुमा के आप अपना एयर फ्लो बंद करना चाह रहे हैं, जितना भी खोलना चाह रहे हैं वो सेट कर सकते हैं। और इसके साथ कोयल देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से सेम कोयल आपको इसके साथ भी दी होगी, क्योंकि उसमें भी आपको यही कोयल दी है, इसमें भी आपको यही कोयल दी होगी, नो डाउट। तो कोयल अगर हम देख लें इसके साथ, तो हमारे पास जो कोयल आती है वो 0.2 मैच की, अगेन आपको दोनों में सेम कोयल दी गई है, इसमें भी 0.2 मैच की है, उसमें भी आपको 0.2 मैच की दी हुई है, 75 वोट्स पे मैक्स जो आप इसको लेके जा सकते हैं। प्री इंस्टॉल्ड कोयल है आपके पास, और इसको बंद करते हैं और इसकी ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं। मैं टैंक्स को जो है वो मैं मोड्स के साथ लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं टैंक्स को मोड्स के साथ लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोयल्स पहले से ऐड हैं, तो वो मसला ये होगा कि वो कोयल्स जो है वो सट जाएंगी अगर मैं कोई भी ऑप्शंस देखता हूँ। तो हम टैंक को लगाए बगैर जो है वो ऑप्शंस चेक करेंगे इसकी। अच्छा हम जो है ऑप्शंस देख लेते हैं, सबसे पहले आपने इसके अंदर बैटरी ऐड करनी है, यहाँ से आप सिंपल जो है वो उसको खोल के बैटरी ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ से हम खोलते हैं इसको। सिंगल एक बैटरी ऐड होगी इसके अंदर, आप कोई भी बैटरी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो इस वक्त बैटरी कहाँ गई मेरी, सिंगल बैटरी इसमें जाएगी। मेरे पास जो पड़ी है वो 18650 2500 mAh पड़ी है। आप लोग LG की 3000 mAh भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मार्केट से आपको ईजीली मिल जाएगी। तो हम इसको ऐड करते हैं, प्लस और माइनस का निशान आपको नजर आ रहा है उसी हिसाब से जो है हम इसको ऐड कर देंगे। सिंपली आपने इसको ऐड करना है, निकालना भी बड़ा आसान होता है यहाँ से, आपने सिंपल इसको खींच के बाहर निकाल लेना है और इसकी ऑप्शंस जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी मैंने कुछ सेलेक्ट की हुई थी जिसकी वजह से मेरे पास आ रही है। तो सबसे पहले आपने जो है नीचे वाली ऑप्शन को देखना है, यहाँ से अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और अगर आप इसको अनलॉक करना चाह रहे हैं आप सिंपली इसको दोबारा से आगे करेंगे। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं इस बटन को, पावर के बटन को, तो आप सिंपली इसको लॉक करके बंद कर सकते हैं। हम तीन दफ़ा आपने प्रेस करना है, तीन दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी, डिफरेंट ऑप्शन है। आप नीचे से प्लस माइनस का बटन यूज़ करके अपनी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इको का मोड आ रहा है, उसके बाद हमारे पास पल्स मोड आ रहा है, पल्स मोड में चेक करें, पल्स मोड में डिफरेंट आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाती हैं। अगेन थ्री टाइम प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास डबल वी पावर मोड इसको कहते हैं, ये पावर मोड पर आ गया, अपनी मर्जी से जो है वो वोल्टेज की सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो नो वोल्ट्स। अच्छा, वोल्टेज और वोल्ट्स में फ़र्क है, तो ये वोल्ट्स है, ये नो वोल्ट्स पे चलेगा, इस पर आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा खाएगा, वेपर आपको ज़्यादा देगा। डबल क्लिक करते हैं और हमारी नेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो देखते हैं, डबल वी इको मोड। ये आपके पास इको मोड में आ गया, इको मोड में ये होता है कि आपकी अपनी जो है वो डिवाइस के हिसाब से बैटरी खाता है, डिवाइस के हिसाब से जो है वो कम आपका फ्लेवर खाता है, कम बैटरी खाता है, तो इको मोड जो है वो बेस्ट मोड होता है। अगेन जो है इसमें चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, थीम की ऑप्शन भी हमारे पास आ रही हैं, थीम्स की ऑप्शन में जाते हैं, ये कुछ एफ़ की ऑप्शन आ रही है, आई डोंट नो ये एफ़ की ऑप्शन क्या है, अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता दे। अगेन जो है वो थीम की ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है, थीम्स हमारे पास तीन थीम्स आ जाती हैं, एक UFO थीम आ जाती है, एक हमारे पास जो है वो एक जनरल थीम आ जाती है जो अगेन आपको जो है मैग्नेटिक से इमोजीज देगा या मैग्नेटिक से आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट देता है। नेक्स्ट आपके पास एक जो है वो ऑप्शन आती है UFO की, UFO की, और तीसरी ऑप्शन आपके पास जो है वो फुटबॉल की आ जाती है। वोल्टेज है इसकी वो आप 5 वोल्ट से लेके जो है 80 वोल्ट तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं इसको, 80 वोल्ट ये जो है वो मैक्स जाता है और 80 वोल्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास पोर्ट मोड है, बिग पोर्ट मोड, उसको देख लेते हैं। इसका भी हमारे ऊपर कवर जो है वो लगा हुआ है, कवर उतार लेते हैं। पोर्ट मोड देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा है। अगेन इसको भी खोल के हम दो बैटरी जो है यूज़ करेंगे, यहाँ से जो नीचे से आपने इसको आराम से खोलना है, इसको आप खोल के आपके पास ये इसका प्लास्टिक आ जाता है, इसके ऊपर से आप बैटरी ऐड करेंगे, अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आराम से निकल भी जाती है। सिंपल जो है बैटरी ऐड करके इसको कैप को लगाएंगे, कैप सिंपली लग जाता है और ऑटोमेटिकली जो आपकी डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगी। अब इसकी ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं, अगेन ट्रिपल क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास बटन आ रहा है ये रोटेटिंग बटन है, फायर का बटन भी है, रोटेट भी आप इसको कर सकते हैं, रोटेट करके आप जो है इसकी वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे आपके पास सेम ऑप्शन आ जाती हैं जो आपके पास SE के अंदर आ रही हैं, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, आपके पास कोई भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। इसमें ज़रा लाइट आ जाती है आपके पास। खैर, अगेन स्मार्ट की ऑप्शन है आपके पास, अगर स्मार्ट ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं आप ऑन ऑफ कर लें, अगर आप इसको रोटेट करेंगे आप रोटेट करके नीचे जा सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग पर जा सकते हैं, LED इसको चेंज कर सकते हैं, LED ऑफ कर सकते हैं, LED ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो पफ की ऑप्शन है, अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि यार इतने पफ के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, वो भी हो सकता है। इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं। ब्राइटनेस की इसमें ऑप्शन है, ब्राइटनेस की ऑप्शन आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी ब्राइटनेस की ऑप्शन हमारे पास ये भी आ गई है, अगर इसकी आप लाइट लो करना चाह रहे हैं या इसकी हाई करना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास थीम की ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास कौन सी थीम जो है इसमें आ रही हैं। अच्छा, थीम इसमें भी सेम एग्जैक्टली वही आपको सेम थीम मिलती है, लेकिन यह है कि उसकी लाइट्स जो है वो आपके पास चेंज हो जाती है, हर थीम के साथ लाइट आपकी चेंज होती है। मेरे ख्याल से सबसे प्यारी जो इसकी लाइट आ रही है वो पिंक और मॉव पर्पल कलर की लाइट आ रही है, UFO के साथ ब्लू कलर की जनरल के साथ आ रही है, और फुटबॉल के साथ जो है वो आपके पास ऑरेंज लाइट आ रही है। तो UFO लाइट सेलेक्ट करते हैं, अगेन UFO, और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको 220 वोल्ट पे जो है वो मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, 220 वोल्ट पे जो है मैक्सिमम जाता है ये। अगेन नॉर्मली जो है वो 60 से 70 या 80 वोल्ट पे मैक्सिमम नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर लेके जाते नहीं है। ये रोटेशन बटन है, इसको प्रेस भी कर सकते हैं आप, पावर बटन भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपका लॉक का बटन आ जाता है, आप इसको लॉक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको अगेन क्लिक करके अनलॉक भी कर सकते हैं। ये आपका अनलॉक और लॉक का बटन है। ये आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, ऊपर आप टैंक लगाएंगे अपना। तो ये आपके पास जो है वो मोड्स आ जाते हैं। अब इन मोड्स को जो है वो लगाते हैं अपने टैंक के साथ, और इसमें फ्लेवर ऐड करके आपको जो है वो फिर टेस्ट चेक करवाते हैं, और स्मोक जो है वो इसका चेक करवाते हैं आपको। तो यार अनबॉक्सिंग जो है वो गाइस आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें स्पेशल जो है ना वो इनकी पहले इनके जो आर्मन मैक्स और आर्मन एस में जो है वो आई टैंक आ रहा था, अब इन्होंने स्पेशल आई टैंक टी के नाम से जो है वो एक लेटेस्ट टैंक जो है वो निकाला है, जिसको आप ऊपर से जो है वो आराम से रोटेट करेंगे और अपना फ्लेवर ऐड करके इसको इस्तेमाल करेंगे। अगेन इसमें भी आपको जो है वो पल्सिस मोड मिलते हैं, इसमें भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल मोड मिलता है सेटिंग्स में, इसमें भी आपको तमाम वो कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आपको आर्मन मैक्स और एस में मिल रहे थे, जेन मैक्स में और जेन एस ई में भी आपको मिल जाते हैं।
सिर्फ इस ये मॉडल जो है ना वो प्रीमियम है, वो वाला मॉडल था वो कोई आपका किसी की लड़ाई हो जाए तो वो सिर में मार सकते थे, या किसी को फेंक के कोई शीशा तोड़ना है या लाइटें तोड़नी है, कोई बाजार की मजाक कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिसका वेब गिरता है ना वो वाला, वो आर्मर मैक्स और आर्मर वाला ले सकता है। लेकिन जो प्रीमियम मॉडल्स हैं, जो सेंसिटिव मॉडल हैं, उनमें ये वन ऑफ द लेटेस्ट इनका डिज़ाइन है। ये दो आपके पास आई टैंक टी के साथ जो है ना ये दोनों आए हैं, और एक जो है वो 100 वोल्ट पे जाता है, दूसरा जो है वो 220 वोल्ट पे जाता है। तो आप इन दोनों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मज़े की बात इसमें ये है, प्रीमियम होने के अलावा अलावा आपके पास जो इसके अंदर सेटिंग्स आ रही हैं उसके अंदर आपके पास एनिमेशंस आ जाती हैं। नॉर्मली जो है वो वेप्स में एनिमेशन नहीं दी जाती, पोर्ट्स में दी जाती हैं, लेकिन अगेन आप लोगों के पास चमकते हुए डिज़ाइन, चमकते हुए वेप्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड वेपराजो उसकी तरफ से दिए गए हैं। आप इसको ट्राई जो है वो चेक कर लेते हैं। क्लाउड्स में आपको दिखा देता हूँ, मेन जो होता है वो आपने क्लाउड्स ही जो है वो देखना होता है कि क्लाउड्स हमारा क्या आ रहा है। और उससे पहले पहले आपको ये बता दूं कि इसमें भी दो बैटरीज ऐड होती हैं, बड़े वाले मॉडल में, छोटे वाले मॉडल में सिंगल बैटरी ऐड होती है LG की। आप ब्राउन कलर की लेना चाह रहे हैं, डार्क ब्राउन 4000 mAh वो ले सकते हैं, या आप 3800 mAh भी ले सकते हैं ग्रीन कलर की सैमसंग की, या सैमसंग की 4500 भी आती है mAh, वो भी आप ले सकते हैं इसमें। बड़ा स्मूथ है, मुझे पहले वाले से ज़्यादा स्मूथ लग रहा है इसको। मैं ना ये मेरे पास अभी जो है वो FT मोड पे आ रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल मोड पे, इसको जो है ना मैं नॉर्मल मोड पे करता हूँ। तीन बार आपने क्लिक करना है तो वो आपके पास चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको मैं इको मोड पे करता हूँ, इको मोड पे करके इसको इस्तेमाल करके चेक करते हैं। यहाँ से आप रोटेशन भी कर सकते हैं, बड़ी प्यारी रोटेशन है मेरे ख्याल से, मैंने कभी किसी जो है वो वेब में इस तरह की रोटेशन नहीं देखी है। साथ आपको एक बटन भी मिल जाता है, आप इसको ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं अंदर सेटिंग्स में जाके, अपनी मर्जी आपकी, जितना आईफोन में होता है जो साथ वाला बटन होता है आपकी मर्जी, आपने उसको किस सेटिंग्स में रखना है वो आप इसमें कर सकते हैं। नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, और आई मीन गुड है यार, प्रीमियम मॉडल है। ज़्यादा वेप पीता नहीं हूँ मैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो स्मोक चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने खरीदना है। वैसे वेप्स के मैंने अंदाज़ा लगाया कि स्मोक तकरीबन एक तरह के होते हैं। ये प्रीमियम मॉडल मैंने वहाँ पे भी यूज़ किए थे, वहाँ पे भी जो है ना वो इसका काफ़ी स्मोक था, जिन लोगों ने वो थोड़ा सा देखा होगा वीडियो में, थोड़ा सा मैंने दिखाया भी था। और टैंक दोनों में एक किस्म का आता है, इसमें जो है वो थोड़ा सा टैंक का साइज़ छोटा है, लेकिन बड़ा वाला टैंक भी आपको दिया हुआ है, सेम ऐसा मैक्स वाला टैंक भी इसमें अवेलेबल है। एक्स्ट्रा टैंक आपको दिया गया स्पेसिफिकेशन में, वो आपकी मर्जी अगर लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें आप। ये था गाइस वेपराजो का जेन मैक्स और जेन एस, आपकी मर्जी है, जेन एस सी सॉरी, आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी ले सकते हैं। मेरी तरफ से दोनों की रिकमेंडेशन है, जो जिनको बिगर मॉडल पसंद है वो ये प्रीमियम मॉडल ले लें, और जिनको जो है वो छोटा मॉडल पसंद होता है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, सिर्फ वोट्स थोड़े से कम है, लेकिन वोट्स भी ठीक है। अगेन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 100 वोट्स लेकर कोई भी नहीं लेके जाता, तो आप लोगों की मर्जी है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसकी जेन एस ई की जो प्राइस होगी वो तकरीबन 18,000 के दरमियान हो सकती है, और जेन मैक्स की प्राइस जो है वो 20,000 से 22,000 के दरमियान में हो सकती है, 22,000 से 23,000 के दरमियान में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द शॉप के कौन कितनी प्राइस की बेच रहा है, कौन डिस्काउंट पे बेच रहा है। ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो वेपराजो के जेन SE और जेन मैक्स पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी करें यार, मोटिवेशन मिलती है। मुझे इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।